हेलो फ्रेंड्स, मुझे लगा ये मेरी वीडियो बन रही है पर ये फ़ोटो क्लिक हो रही थी। और यहाँ पे कुछ मैं पालक वगैरह साफ़ कर रही थी तो ये वही पड़ा हुआ है तो पालक ये वगैरह। किचन विचन मैं मॉर्निंग में ही सारा क्लीन करके जाती हूँ। सब कुछ क्लीन है, बस मैंने थोड़े से राइस चावल भिगो दिए हैं 2 ग्लास बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने सुबह बनाई थी दाल, तो ये दाल रखी हुई है। अभी मैं इसको गर्म करूँगी तो कुकर रखा हुआ है। बाकी इसके साथ साथ अभी मैंने पानी भी नहीं पिया है, तो अभी पानी नहीं पिया है। और इसके साथ साथ मैं काम कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो आपको ये देखिए पालक जो मैं सुबह के लिए तैयारी करके रख रही हूँ, तो इसीलिए इसमें लगी हुई थी मैंने। अब फिर जाके मैं पानी पीऊँगी। और ये मैं पालक साफ़ कर रही थी सुबह के लिए जो तैयारी हो रही है, क्योंकि मुझे सुबह के लिए बहुत इजी हो जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह सब्जी भी बनानी होती है और इतना टाइम नहीं होता कि मैं जल्दी जल्दी सारा ये काम कर लूँ। तो वही मैं लगी हुई थी, तो कहीं से वो मैं जल्दी से काट के साफ़ करके रख देती हूँ वॉश वगैरह करके। तो उसी का मैंने एक क्लिप डाली है कि जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में और रात को थोड़ा सा ही टाइम मिलता है जो मैं जॉब का, क्योंकि मैं भी लेट हो जाती हूँ जॉब से, बिल्कुल टाइम नहीं होता। और ये मैं किचन में लग गई थी चावल वगैरह रखने के लिए। मैंने पालक वगैरह वॉश की थी, वही मैं पालक वॉश करके और उसको उबालने के लिए रख रही थी। और मैंने कुकर रख रखा था चावल के लिए, जो चावल मैंने भिगोए हुए थे उसको मैं थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी और तड़का लगा के जीरा राइस बनाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा लगता है। और ये मैं पालक दिखा रही थी कि मैं पालक वॉश करके उसको उबलने के लिए मैंने रख दिया है। ये हमारी सुबह के ये कुकर जो मैं चावल इसमें बनाऊंगी, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा देसी घी। देसी घी मैं अभी लेने गई थी, अभी मैं देसी घी लेके और थोड़ा जीरा जीरा राइस, और उसमें वो बनेंगे चावल और जीरा राइस बनाऊंगी, जो चावल और जीरा राइस अच्छे लगते हैं दाल के साथ। तो सुबह और अभी दोनों का टाइम बहुत बिजी वाला हो जाता है, क्योंकि अभी मैं काव्या और इसके पापा आते नहीं हैं, तो मैं उसे खाने के लिए मैं जल्दी जल्दी करती हूँ कि उनके आने से पहले मैं रेडी कर लूँ खाना। और सुबह की भी मेरी तैयारी होते हैं जो मैं बना रही हूँ, तो मैं वही लगी हुई थी ये सारी तैयारी करने की। राइस वगैरह ये वो मैं निकाल के रख रही हूँ जल्दी जल्दी करने के लिए। तो ये सब होती तैयारी। आप भी बताना, कभी आपके साथ भी होता है कि आप भी बहुत जल्दी जल्दी ऑफिस से आते हैं और खाना भी, पानी के लिए भी टाइम नहीं होता कि पानी पी लें और जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाते हैं कि जो चीज़ है मैं खाना पीना रेडी कर लूँ उसके बाद वो करूँगी। तो ये मैंने चावल, मैंने थोड़ा सा 2 ग्लास पानी पालक में और डाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था पालक ज़्यादा हो गई है ऊपर और पानी कम हो गया है, तो मैंने ये 2 ग्लास पालक के अंदर पानी डाला था। और ये तेल मेरा वो हो गया था, तो इसके लिए मैंने पहले मैंने सोचा कि मैं सिंपल राइस बना लूं, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं थोड़ा जीरा राइस ही बनाती हूँ, तो इसलिए मैं देसी घी के लिए लेने गई थी फ्रिज से निकालने के लिए। तो ये मैं देसी घी लाई, तो मैं थोड़ा सा इसमें स्पून थी, तो मैं 1 चम्मच स्पून देसी घी के साथ, उसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है राइस का। और इसे हम सूखे भी अगर ऐसे ही बिना उसके भी खाएँ ना दाल के, तब भी टेस्टी लगते हैं। तो ये मैंने वही डाल दिया था इसलिए। और ये जीरा मैं निकाल रही थी, और ये जीरा जो मैंने चावलों के उसमें घी में गर्म हो गया था उसमें डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा ये मैं दिखा रही थी कि मैंने जीरा डाला है, और ये मैं डालूँगी इसमें चावल, और चावल थोड़े से वो करके ब्राउन, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी। तो ये हमारे जीरा राइस बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, आप भी ट्राई करके देखना। वैसे तो ये ऐसे जीरा राइस वैसे ज़्यादातर लोग छोले वगैरह राजमा छोले सबके साथ बनाते हैं, कई लोग के घर सिंपल बनते हैं और कई के घर ऐसे बनते हैं, और हमें कभी कभी मैं सिंपल भी बनाती हूँ जैसे कढ़ी वगैरह हो गई उसके साथ, और जैसे मैं दाल वगैरह बना रही या छोले बना रही तो उसके साथ मैं जीरा राइस बनाती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल दी थी, तो इसके अंदर मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये मैं वो करके, और ये थोड़ा चावल को ना मैं भून लेती हूँ ताकि इसमें टेस्ट आ जाए थोड़ा, उस जैसे पुलाव जैसे इसका टेस्ट आ जाता है। फ्रेंड्स रख दिए हैं, पे रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं चावल,
तो ये चावल को लगाया है देसी घी का तड़का, और यहाँ पे देखो ये सुबह के लिए पालक मेरी बॉईल हो रही है। तो सुबह में मॉर्निंग में एक नई रेसिपी बनाऊंगी और वो मैं डालूंगी, तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग जरूर देखना, मैं आपको नई रेसिपी मिलेगी। तो अभी मैंने पालक को बॉईल करने के लिए किया, ये मॉर्निंग की तैयारी मैं अभी से कर रही हूँ। और यहाँ पे राइस थोड़े वो हो रहे हैं ब्राउन, तो मैंने ये कुकर में सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया। तो 2 सीटी आएंगी तो मैं कुकर बंद कर दूंगी, चावल हो जाएंगे हमारे रेडी। तो अभी काव्या और उसके पापा भी घर पे नहीं आए हैं, तब तक मेरा खाना होगा रेडी, क्योंकि दाल हमारी है रेडी। और उसके बाद पालक भी बॉयल हो जाएगी, और कुछ यहाँ पे मैंने पालक तोड़ा था तो ये बिखरा पड़ा है। और मॉर्निंग में मैं ज़्यादातर चीज़ें सेट करके जाती हूँ, तो इतने टाइम है। और ये मैं मॉर्निंग के लिए सामान लेकर आई थी, जो मैं सारा मिलके बनाऊंगी। मैं ये भी फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और देखिए पर्स वगैरह सब मेरा ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि अभी सबसे पहले मैं खाने की तैयारी कर रही थी, और सारा कुछ ऐसे ही है। बाकी सब जो भी होगा मैं कल ब्लॉग में आपको रेसिपी दिखाऊंगी। प्लीज़ मेरे हार्ड वर्क की अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब।